आलू का भुजिया बनाने के लिए हमने कढ़ाई को अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे तेल, इसे भी अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे ज़ीरा। ज़ीरा अच्छी तरीके से फ्राई हो जाने के बाद हम इसमें मिलाएंगे सूखी लाल मिर्च और प्याज। प्याज को सॉफ्ट होने तक हम इसे अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। एक बार प्याज अच्छी तरीके से सॉफ्ट और सुनहरा हो जाने के बाद हम इसमें मिलाएंगे आलू, बारीक कटा हुआ आलू। दो से तीन मिनट तक हम इसे ढक के धीमी आंच पे पकाएंगे और बीच बीच में हम इसे फ्राई भी करते रहेंगे ताकि ये जले ना। अब हम इसमें मिलाएंगे हल्दी। दो मिनट के लिए इसे ढक के हम धीमी आंच पे पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे नमक स्वाद अनुसार। नमक अच्छी तरीके से मिलाने के बाद हम इसे धीमी आंच पर ढक के पकाएंगे। जब आलू पक जाए तब हम इसे एक से दो मिनट तक बिना ढके फ्राई करेंगे। अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो जाने के बाद हम गैस बंद कर देंगे और इसे पराठे, रोटी या दाल चावल के साथ सर्व करेंगे।